नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे और पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, कई सारे एग्जाम्स का एनालिसिस करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो निकल कर आते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, उनके क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले देखिए, क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और उससे अगर कोई डिफिकल्ट लगेगा तो उसका कनेक्शन भी बनाएंगे, और बाकी जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको सीधे स्किप करते जाएंगे सिर्फ उसका आंसर देखते हुए। अगर आपको चाहिए कोई क्वेश्चन का आंसर जो आपसे नहीं बन रहा या उसकी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपको उसके बारे में उसका वर्ड टू वर्ड कनेक्शन, जो हमारा ट्रेंड है, जिस तरीके से हमारा पढ़ाई करने का तरीका है, वो हम आपको कमेंट में बता देंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। भारत जो सागरीय मार्ग आता था उसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी, और भारत की खोज भी वास्को डी गामा ने की थी। सभी जानते हैं ये पुर्तगाली थे। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है। अगर जिले की बात करी जाए तो जिले सबसे पूर्वी भाग में विजयनगर जो है अनडिस्प्यूटेड जिला है, लेकिन उसके पहले एक जिला है कीवी थू अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, जो कि भारत के सबसे पूर्वी दिशा में है या सबसे पूर्वी छोर पर है। तो अगर जिला पूछा जाए तो कीवी थू है, और अगर राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, लेकिन कीवी थू एक डिस्प्यूटेड है, इस पर विवाद चल रहा है। चाइना अपना अधिकार बताता है, भारत अपना अधिकार बताता है, तो ये डिस्प्यूटेड है। अगर आपसे अनडिस्प्यूटेड पूछा जाए तो वो है आंसर विजयनगर, लेकिन अगर केवल जिला पूछा जाए तो कीवी थू है और राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। अब साथ ही साथ हम देख लेंगे भारत के चारों दिशाओं के जो सबसे ऊपरी जिला, ऊपरी हिस्से में, सबसे ऊपरी हिस्से में जो जिला है वो सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर है, J&K। ठीक है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे है कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ की हम बात कर ही चुके, कीवी थू, ठीक, और यहाँ है कच्छ। आई होप आपको सभी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है। नाथुला दर्रा के पास जो है चीन, चीन और भारत के बीच में नाथुला दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का बिजयंत नाम है। भारतीय सेना में बिजयंत किस चीज़ का नाम है, तो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, एक टैंक है भारतीय सेना में, जो टैंक है उसका नाम बिजयंत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री फाइयन किसके काल में आया था। ये विक्रमादित्य के काल में आया था, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन बनता है। देखिए, भारत में जो सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण यात्री हैं वो तीन ही हैं, एक तो मेगस्थनीज, दूसरे हैं फाइयन और तीसरे हेनसांग। तीन यात्रियों में कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है, और तीन सबसे अच्छे यात्री हैं। मेगस्थनीज सबसे पहले आए, सबसे पहले किसके टाइम में आए, CGM चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और फाइयन आए CG चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। देखिए, ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त थे और ये मौर्य थे, ये अलग थे और ये वाले अलग थे, लेकिन इनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था क्योंकि इनके पहले एक और चंद्रगुप्त के नाम से राजा रह चुके थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाइयन आए, और तीसरे हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में। ट्रिक भी आपको याद है, एच से हेनसांग, एच से हर्षवर्धन, एफ से फाइयन और चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसमें एम है और इसमें भी एम है, और जो बचता है वो फाइयन चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि विक्रमादित्य किस राजा का नाम था, या किस राजा ने खुद को विक्रमादित्य कहा। तो विक्रमादित्य नाम जो है वो पड़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय दोनों मिलते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य भी मिलता है साथ में, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य आपको नहीं लगाना, ना ही चंद्रगुप्त प्रथम लगाना है, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय लगा कर ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का क्या संबंध है। सब भी जानते हैं बाप बेटे का संबंध है, पृथ्वीराज कपूर जो है पिताजी थे राज कपूर जी के। ठीक है, जिनके बेटे हैं राज कपूर के, ऋषि कपूर, सभी लोग जानते हैं। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। असम, असम चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, सभी जानते हैं। आगे प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। देखिए, याद ऐसे रखेंगे, पश्चिम में चा आता है, पश्चिम लिखने में चा आता है, और चा में चावल में भी चा आता है। पूर्वोत्तर राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचता जिसमें चा आता हो। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में चा और चावल में चा, इसलिए हम कनेक्ट कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल चावल के लिए सबसे पहले स्थान पर आता है। आगे बात करेंगे, भारत का
कि किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर के बारे में थोड़ा डिस्कशन बनेगा यहाँ पर। देखिए, पांच जंतर मंतर, भारत में कुल पांच जंतर मंतर हैं, और इन जंतर मंतर को राजा विजय सिंह ने बनाया था, सॉरी माफ कीजिएगा, राजा जय सिंह, राजा जय सिंह जिन्होंने जयपुर बसाया था, राजा जय सिंह ने जंतर मंतर को बनाया था। पांच प्रकार के जंतर मंतर पांचों राजा जय सिंह ने बनाए थे। देखिए, एक जंतर मंतर हमारा था दिल्ली में, एक उज्जैन में, एक जयपुर में, और वाराणसी और मथुरा में। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और मथुरा में ये पांच तरह के जंतर मंतर हैं। जंतर मंतर में खासकर एक वेधशाला होती है जंतर मंतर, जिसमें हम पृथ्वी से रिलेटेड जानकारियों को जुटाने की कोशिश किया करते थे, उस समय उनको जंतर मंतर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो वो है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग है। सभी लोग जानते हैं बर्फी पिक्चर की जहाँ शूटिंग हुई है वो दार्जिलिंग ही है, और रुस्तम की शूटिंग हुई है वो भी दार्जिलिंग है, जो कि पश्चिम बंगाल में, बहुत शानदार जगह है, घूमने लायक जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, जो कि टका है बांग्लादेश की मुद्रा। स्वेज नहर के खुलने के बाद किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है, वो है यूरोप और एशिया। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस तरीके का हमारा ये अफ्रीका, मान लीजिए अफ्रीका है, यहाँ ऊपर यूरोप है, और ये हमारा पूरा है एशिया। ठीक है, यहाँ कहीं भारत है। अब यहाँ ये जो मार्ग, ये जगह जुड़ी हुई थी, इस वजह से यूरोप से लोगों को आना पड़ता था, पूरे अफ्रीका को पार करते हुए। ऐसे ही कौन आया था, वास्को डिगामा, और भारत आते थे, तो जब भी यूरोप से लोग आते थे बहुत दूर पड़ता था। यहाँ स्वेज नहर को, इस जगह को काट कर उन्हें स्वेज नहर बना दी, जिससे यूरोप से लोग सीधे सीधे कहाँ आने लगे, यहाँ। तो रास्ता किसका कम हुआ, एशिया आने का रास्ता कम हुआ, और पूर्वी अफ्रीका जाने का भी रास्ता कम हो गया। एक तरफ यहाँ था मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, और यहाँ अपना पड़ता है जो लाल सागर। ठीक है, ये सब उसका था। आगे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, सभी जानते हैं 1400 से 1918 तक, 1914 से 1918। आगे क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। बालाजी, बाजीराव, सभी जानते हैं बाजीराव मस्तानी, बाजीराव उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी हुई है। आगे देखते हैं, सत्शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, इसका क्वेश्चन है महात्मा फुले। ट्रिक है इसके याद रखने की, ऐसे रख सकते हैं, सत्याग्रह कौन करता था, सत्याग्रह करते थे गांधी जी, इसमें भी सत्य है। वो महात्मा गांधी सत्याग्रह, और सत्यशोधक भी महात्मा, दोनों में महात्मा और दोनों में सत्य कॉमन है, तो सत्य सत्याग्रह, सत्यशोधक, महात्मा गांधी, महात्मा फुले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रगान जनगणमन के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सभी जानते हैं। किस प्रधानमंत्री किसने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत में के जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र की तट की लंबाई है। क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। देखिए, ये होता है अपना चंद्रमा, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक, अब होता क्या है, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर तब पड़ती है जब पहले सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, तब जाके पृथ्वी पर पड़ती है। लेकिन पृथ्वी अगर बीच में आ जाएगी तो सूर्य की परछाई, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी, और परछाई कहाँ पड़ेगी, चंद्रमा पर, जिसकी वजह से चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देगा, काला, और हमें लगेगा चंद्रमा है ही नहीं या फिर चंद्र ग्रहण है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब सूर्य और पृथ्वी के, सॉरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई, मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई 16 अप्रैल 1853 को। उसके एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, 15 अगस्त जो हमारा आज़ादी का दिन भी, 15 अगस्त 1854 को ये जो है एक पैसेंजर, सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, वो थी हमारी हावड़ा से हुगली। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक तो मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन, सॉरी पहली रेल चलाई गई, वो थी मालगाड़ी। ठीक है, और पैसेंजर ट्रेन सबसे पहले सवारी वाली ट्रेन चलाई गई, वो 15 अगस्त 1854 को चलाई गई, जो कि हावड़ा से हुगली तक चलाई गई, जो कि पश्चिम बंगाल में है। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ईयर याद रख सकते हैं।
आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु है बाघ, सभी जानते हैं लेकिन फिर भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। युद्ध में साहस और पराक्रम दिखाने के लिए सर्वोच्च अलंकरण होता है वो परमवीर चक्र है। आगे क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप हैं एशिया, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तब भी एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तब भी एशिया, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर जनसंख्या वाला देश। जब दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश एशिया में होंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप ही सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वायुमंडलीय परत का नाम है बहिर्मंडल, बहिर माने बाहर का, सबसे दूर, यहाँ हाँ पे बहिर लिखना हुआ था, बही लिखा रहा लेकिन बहिर लिखना चाहिए था, तो बहिर्मंडल है इसका आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं, DCM ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, हरित क्रांति में क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और प्रति एकड़ फसल को बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन में आता है, उत्तरी रेलवे, सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में है तो उत्तरी रेलवे आएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, जो है पोर्ट ब्लेयर। आगे क्वेश्चन है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। आप एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, रचयिता हैं या वेद व्यास जी जो हैं कंपाइलर हैं, तो महाभारत को रचा नहीं गया, महाभारत को संगठित किया गया, फिर संकलित किया गया, तो वेद व्यास कौन है उसके संकलन करता है, लेकिन अगर रचयिता आता है तो रचयिता भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में दो हैं, वेद व्यास महाभारत को क्या किया, वेद व्यास ने संकलन किया या फिर रचा, तो महाभारत जो है ये इसके रचयिता है, संकलनकर्ता नहीं है। ठीक है, वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता। गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सभी जानते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद हो जाता है, बंद नहीं होता, माफ़ कीजिएगा, खून का रिसाव बंद नहीं होता विटामिन के की कमी से, इसमें जो है अपना थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन होता है जो कि रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है, अगर ये नहीं होती शरीर से तो खून लगातार बहता रहता है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, सॉरी प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम तो हमने कई सारे बना लिए, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न है, पर जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त को गिराया गया था लिटिल मैन, सॉरी लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को गिराया गया था फैट मैन। ठीक है, 6 अगस्त को लिटिल बॉय, 9 अगस्त को फैट मैन। आगे क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर, सतलुज नदी पर है, सबसे ज़्यादा जो है बड़ा बांध है भारत का, ये क्वेश्चन भी बनता है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा में कितने स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, भारत जिनमें बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता जो है अब पाकिस्तान में, ऑप्शन के हिसाब से और भी सही हो सकते थे, कई सारे स्थान हैं जो अभी भी पाकिस्तान में हैं। चौंध नामक कर किसके द्वारा दिया जाता था, मराठों के द्वारा दिया जाता था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने वाले लॉर्ड मैकाले, यहाँ थोड़ा चर्चा का विषय है, लॉर्ड मैकाले, ये लॉर्ड मैकाले जो है बेंटिक, विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा पर जो बैन लगाया था वो विलियम बेंटिक हैं। इसका हमारा पूरा वीडियो बना हुआ है, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, ट्रिक्स किसे याद कराया गया उसको आप देख सकते हैं। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई और विलियम बेंटिक ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू कराया था, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो लॉर्ड मैकाले सही है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने रिपोर्ट तैयार की थी, लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उनने कहा था कि भारत में अगर अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर दी जाएगी तो हमें बहुत मुनाफा होगा, हमें विदेश से लोगों को या इंग्लैंड से लोगों को लाना पड़ता है अपने काम काज के लिए, जिससे हमें उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है, भारत में इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर हम कुछ को पढ़ा देंगे इंग्लिश में तो वो हमारा काम करेंगे बहुत कम दाम में, तो इसलिए लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश की थी, एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके तहत इंग्लिश शिक्षा को शुरू किया गया, लेकिन करने वाला जो वायसराय था या जो उस टाइम पे जनरल गवर्नर था वो कौन था, बेंटिक, इसलिए दोनों ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन बनता है, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जान, मीका सिंह यहाँ लिखा हुआ है गलती से, माफ़ कीजिएगा,
लेकिन ये मिल्खा सिंह है, मीका सिंह गायक है, मिल्खा सिंह जो है फ्लाइंग सिख है। ठीक है, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में हमेशा विटामिन सी ही होता है, आप आसानी से लगा सकते हैं। उदय शंकर जी को नृत्य के लिए जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे, सभी जानते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, वो जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर जनपद पंचायत होता है, फिर जिला पंचायत होता है, यानी उसे जिला परिषद बोलते हैं। तो ये त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है और अंडमान निकोबार की हम डिस्कस कर चुके, वो है पोर्ट ब्लेयर। आगे क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है जैसे भारत का, ऐसे श्रीलंका का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, सभी जानते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन है लेकिन आते हैं, इसलिए इनको इसमें रखना पड़ा। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, सभी जानते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसको दिया जाता है, जो बहुत अच्छा योगदान देता है, किसमें, दूसरों को शिक्षा देने में, प्रशिक्षण करने में श्रेष्ठ गुरु के लिए दिया जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में ही है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। चोल शासकों ने इसको बनवाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में है। अकादमियों का हमारा एक वीडियो आएगा, उस पर हम इस सारी चीज़ें कवर करेंगे, ट्रिक के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी अकादमी कहाँ है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण मिशन जो है रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा, महाकवि कालिदास ने, इसका सही नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम इसका पूरा नाम है। और एक क्वेश्चन और बनता है, अभिज्ञान शकुंतलम किस भाषा में लिखा गया था, हिंदी में, माफ़ कीजिएगा, संस्कृत में, बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। कालिदास जो है संस्कृत के सबसे पहले और सबसे महान कवि हैं, जो कि गुप्त शासकों, गुप्त वंश में रहे हैं। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी में उन्होंने काम किया है। आगे क्वेश्चन बनता है, ज्वार ऊंचा कब होता है, देखिए समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं और फिर गिरती हैं, ये धरती पृथ्वी पर समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं गिरती हैं, इसको ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पानी पर जो खिंचाव पड़ता है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण पानी को खींचता है ऊपर की ओर, इसलिए लहरें ऊपर उठती हैं। अब लहरें कब ऊपर ज़्यादा उठेंगी, लहरें ऊपर तब उठेंगी जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही ओर होंगे, तो दोनों अपना बल एक ही पानी पे या एक ही सतह पर लगाएंगे और लहरें बहुत अधिक ऊंची उठ जाएंगी। आगे क्वेश्चन बनता है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रे से ही भारत में जितने आक्रमण हुए, अधिकतर आक्रमण खैबर दर्रे से आए थे आक्रमणकारी। फिर क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती, यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, जैसे ये अगर इंडिया है तो इंडिया के पीछे ये उत्तर भारत है और ये प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत का पठार है और यमुना नदी केवल उत्तर भारत में बहकर गंगा नदी में मिल जाती है, प्रायद्वीपीय पठार में नहीं आती, इसलिए यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा तट पर बना है, कानपुर भी है, आगरा भी है और भी बहुत शहर हैं, एक ऑप्शन के हिसाब से समझना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यही है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है राज्य स्तर पर, भले ही भारत में कई सारे धर्म मनाए जाते हैं लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है ऐसा कौन सा देश है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नेपाल और तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है भारत, इंडिया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जो कि हिंदू राष्ट्र है, निम्न में से कौन सा देश हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान है या भूटान है या इंडिया है या फिर नेपाल है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, राष्ट्र राजमार्ग नेशनल हाईवे क्या करते हैं, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों को जोड़ देते हैं। कोयला बांध, माफ़ कीजिएगा, कोयला बांध नहीं है, कोयना बांध है, जो कि कोयना नदी पर है, कोयना नदी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि कृष्णा नदी में मिल जाती है, आगे चलकर कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये है कोयना बांध, कोयना नदी पर जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, खरीफ की फसल नवंबर में प्रारंभ,
फसल खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, खरीफ की काट ली जाती है और रबी की बो दी जाती है जो कि सर्दियों की फसल होती है, ठीक है। कौन सी कायांत्रित शैल है? संगमरमर इसका भी एक उदाहरण है, देखते हैं आंसर में क्या है। संगमरमर इसका उदाहरण है कायांत्रित शैल का, यानी संगमरमर किसी दूसरे शैल से मिलकर बनता है। सार का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, माफ कीजिएगा, रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये सार्क का पूरा नाम है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। आगे क्वेश्चन है, जनरल की सेना में एक अधिकारी पद है, जनरल किस सेना में? थल सेना में जनरल होता है, जल सेना में एडमिरल होता है, माफ कीजिएगा, और वायु सेना में मार्शल होता है। जल सेना में एडमिरल होता है, थल सेना में जनरल होता है, और वायु सेना में मार्शल होता है। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? नैरो गेज की 2.6 मीटर चौड़ाई होती है। ये वीडियो में हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको किसी भी एक प्रश्न में डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और कुछ ना करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।